इसका एक एग्जॉस्ट सुनाता हूँ, अभी ये ऑन हुआ। पटाखे फूट रहे हैं भाई। वेलकम बैक टू माय येट अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग बडीज। यस, आज एक ब्लॉग नहीं होगा, ये एक वीडियो फॉर्मेट रहेगा। प्यारी सी मॉडल, प्यारी एक चीज़ है दुकान। तो बस आज ये इसका रिव्यू करेंगे। एक अपनी बंजारन खड़ी है कि इसका नामकरण करना है। ये भाई साहब की गाड़ी है, हमारे भाई ने नहीं लिए तो करते चलो। Far from anxiety, I need my space, I need my privacy, I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing, all our minds and put the work in, we got some work. पहले माफी करता हूं, बिल्डिंग के नीचे बनाना पड़ रहा है। पहले प्लान था बाहर शूट करने का, लेकिन जल पानी बारिश हो रही है तो अंदर ही शूट करते। तो अभी स्टार्ट करते, सबसे पहले अपन इसको आगे से स्टार्ट करते। मैंने जब सोचा था कि मुझे ऐसा लगा था ये हेलोजन लाइट है, मेरे को ऐसा लगा था जैसे अपनी मीटियोर में यहाँ पे जो राउंड सर्कल है ना वो देंगे, लेकिन उसमें वो दिया नहीं, लेकिन बेस्ट एक दिया। फिर इधर अपन धीरे धीरे आगे आते, जो अभी आगे का सेगमेंट चेक करते हैं। अभी अगर आप इसमें देखोगे पूरा चेंज आउट है। यहाँ पे देखो तो मीटियोर जैसा स्विच दे दिया है, ओके, ये भी मीटियोर जैसा दे दिया। पासिंग लाइट जो है, ये साइड इंडिकेटर, ये हैजर लाइट आ गया यहाँ पे। बस एक नेगेटिव लगता है वो ये जो मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि ये यहाँ से पासिंग, ये वाला पासिंग वाला बहुत लफड़ा देता है यहाँ से, तो वो एक चीज़ नहीं जमा। बाकी तो अगर मैं अभी बात बताऊँ, अगर ऐसा लुक के हिसाब से देखा जाए तो मतलब रॉयल एनफील्ड को क्या वो बोलने लायक ही नहीं कि इसको अपन रेटिंग दे। ये खुद में एक बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड। अभी यहाँ पे आ गया इसका जो इंजन है, ये इंजन ऑलमोस्ट मीटियोर वाला ही इंजन डाला है, पूरा रिफाइन इंजन दिया गया है। कुछ कितना हॉर्स पावर है मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, बट अगर आप इसका वाइब्रेशन की बात करो, जो रॉयल एनफील्ड 2021 थी जो मेरे दोस्त सचिन के पास है, और ये 2022 है, अगर एज कम्पेयर ये दोनों को कंपेयर किया जाए तो बहुत इसका 90% जो वाइब्रेशन है वो पूरा हटा दिया गया। सच्ची बता रहा हूँ, मैं चलाया थोड़ी देर पहले, इतनी स्मूथ चल रही थी ना कि एक इस पर ढील आ गया था। तो ये बात रही इंजन की। अब सबसे मेन जो इंडियन सेगमेंट में होता है वो ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें ना हम, तो इसमें अभी कुछ 35 mm और बढ़ा दिया गया, जो पहले था कुछ आई थिंक 145 था, अभी जो ये ग्राउंड mm है ना ये 170 mm है, जिससे अगर जो रोड्स खराब रहते हैं ना तो उसमें खट करके आवाज़ आने का नहीं, क्योंकि मेरी वाली में थोड़ा सा कम है अपनी बंजारन में, इसमें 170 mm दिया गया। अब तो अभी इसकी एग्जॉस्ट की बात किया जाए, इसकी एग्जॉस्ट भी पूरी हमारी जो मीटियोर 350 है बंजारन है उसके जैसे ही ऑलमोस्ट दिया गया। थोड़ा बहुत मैं बोलूँ 19-20 का फर्क रहेगा जो इंजन में और एग्जॉस्ट में, 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन जो ऑलमोस्ट रहेगा वो एकदम सेम ही रहेगा। इसका अगर साउंड आप बोलो ना तो एकदम मतलब वो कहते ना एक जो पहला रॉयल एनफील्ड वो वाला नहीं है, इसका वाला एकदम क्लास वाला जो होता है ना वो फील दिया गया, जो कि मेरे को बहुत पसंद आया। मतलब एक वो हो गया, मेरे को प्यार हो गया। अगर वो आगे बात कर देगी, एक लास्ट जो मेरे को एक पसंद आया, तो इसकी सीट की बात करें, जो स्प्रिंग है पहले वाले वेरिएंट में स्प्रिंग होता था, अभी वो स्प्रिंग निकाल दिया। और अगर आपकी हाइट छोटी है मतलब कि पैर नहीं पहुंच रहा है तो अपन इसको कस्टम भी कर सकते हैं, ये वाला सीट हटा के रॉयल एनफील्ड के इसमें बोलेंगे ना तो छोटा सीट रहेगा जिसमें आपका पैर हो जाएगा। गियर की बात करें तो गियर सीरियसली बहुत स्मूथ है, नवी गाड़ी है इसलिए या फिर पुराना वो नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो जैसे कि पहले ही कट करोगे ना फट से दूसरा गियर लग जाता है, कोई इशू नहीं है इसमें, कुछ गियर का कुछ अभी बात करें ये वाला, ये जैसे कि मैंने बताया ये पूरा मीटियर वाला दिया, लेकिन मेरे को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई ना वो ये यहाँ पे ये डिजिटल वाला आ गया, जो बहुत ज़रूरी था कि इसमें बता देते कि किलोमीटर्स कितना है, फ्यूल टैंक कितना है। फ्यूल वाला जो मेन था
लास्ट वाले वेरिएंट में इतना खास नहीं था, ये एज यूजुअली। और हाँ, रॉयल एनफील्ड ने ये वो किया कि जो चिप का शॉर्टेज चल रहा है अभी के लिए, अगर वो चिप शॉर्टेज जब खत्म हो जाएगा ना, तो ये रॉयल एनफील्ड का पाते ना, ये हर सेगमेंट में यहाँ नेविगेशन दे देंगे। जैसे अपनी वाली में नेविगेशन है, वो यहाँ पे भी नेविगेशन आ जाएगा। ये पेट्रोल का बहुत अच्छा किया, मतलब ऑल सेगमेंट्स में बोलूँ ना तो रॉयल एनफील्ड ने वो कर दिया कि बेस्ट। रॉयल एनफील्ड का ओल्ड सेगमेंट था, उसका जो बॉडी का फाइबर था ना, ये देखो यहाँ पे ये दो दिया हुआ है फाइबर, जो पुराने वाले सेगमेंट्स में था ना वो एक दिया था, जिसकी वजह से इसका बॉडी अभी और स्ट्रांग हो जाता है। बाकी रॉयल एनफील्ड तो एक ऑलरेडी हो जाता है, जो रॉयल एनफील्ड है ना वो गाड़ी बेचता ही नहीं है मेरे हिसाब से। रॉयल एनफील्ड एक वो बेचता है, क्या बोलते हैं, क्लास बेचता है गाड़ी, उसके लिए कुछ नहीं, क्लास आ जाता है। इफ यू आर ओनिंग अ रॉयल एनफील्ड तो ऑब्वियसली बात है आप एक क्लास में आ जाते हो, गाड़ी आपका कोई सेगमेंट ही नहीं है। इसका एग्जॉस्ट की बात करते तो, एग्जॉस्ट नोट की बात करते तो सुनो ये भाई, इसका जो टैंक है 13 लीटर का टैंक है, जिसका एवरेज इफ अगर आप लाइक थोड़ा रेशली 80 के एवरेज पे चलाते हो, 80-90 की स्पीड में, तो आपको कुछ अराउंड 30 का माइलेज मिलेगा, 30-35 पर। लेकिन अगर आप डिसेंट लुक से चलाते हो, ऑन एवरेज ऑफ 40-50-60 एकदम आराम से क्लास से, तो आपको 35 प्लस मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको 40 तक का भी एवरेज मिलेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चला के आपको माइलेज कैसा मिलेगा। एक लास्ट, अगर आप इसको जावा से कंपेयर करोगे ना, तो जावा इसके सामने नहीं है। जावा एक हो जाती स्पोर्ट टूर में आ जाती है। इफ अगर आपको स्पोर्ट टूरर में जाना है तो जावा ये नहीं है। अगर आप एक क्लास ढूंढते हो, एक रॉयल आता है, तो आंख बंद करके रॉयल एनफील्ड 350 में आप जा सकते हो। अगर मेरे टाइम ये वेरिएंट रहता ना, मैं मेरी वीडियो नहीं लेता, लेकिन अपनी वीडियो किसी से कम है ये, तो ये भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है, रॉयल एनफील्ड की सब गाड़ी बेस्ट है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और बोलो रे, और भाई की बुलाइट कर देना। चलो बाय।